हेलो गाइस, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे रीनेम ऑपरेशन कैसे काम करता है। ठीक, मैं पहले बता चुका हूँ रीनेम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो से। ठीक, तो सपोज कोई एम्प्लॉय करके एक रिलेशन है हमारे पास, एम्प्लॉय। ठीक है, और एम्प्लॉय के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो एम्प्लॉय की आईडी है, ई आईडी, दूसरा उसका नेम है ई नेम। ठीक है, और तीसरा है उसकी डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डी आईडी। तो ये एम्प्लॉय के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसे मुझे रीनेम करना है। ठीक है, अगर मुझे इस टेबल को रीनेम करना है तो मैं ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले रीनेम ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, किस रिलेशन को रीनेम करना है वो यहां पे लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉय को रीनेम करना है। ठीक है, एम्प्लॉय को रीनेम करना है। ठीक, अब क्या नया नाम देना है वो मुझे यहां पे लिखना है। सपोज मैं एम्प्लॉय को नया नाम दे देता हूं पर्सन। ठीक है, पर्सन मतलब इस रिलेशन का नाम चेंज करके मैंने पर्सन रख दिया। और साथ ही साथ इस तरीके से अगर मैं एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज करना चाहूं तो मैं एट्रीब्यूट्स के नाम भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, सपोज इस वाले एट्रीब्यूट को मैं ए बोलता हूं, दूसरे वाले एट्रीब्यूट को मैं बी बोलता हूं, तीसरे वाले एट्रीब्यूट को मैं सी बोलता हूं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इस वाली जो टेबल थी एम्प्लॉय टेबल थी, इस टेबल को डिलीट नहीं किया। ठीक है, एक एडिशनल टेबल बना दी है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल सेम टेबल कॉपीड है और पर्सन नाम से। ठीक है, और उसमें एट्रीब्यूट्स के नाम क्या है, ए बी और सी। तो इस तरीके से हमारा रीनेम ऑपरेटर काम करता है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूं रीनेम पर्सन एंड एम्प्लॉय, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम थे वो तो सेम रहेंगे, बस जो टेबल का नाम एम्प्लॉय था अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं रीनेम एम्प्लॉय, ठीक है एम्प्लॉय, और मैं यहां पे लिख देता हूं खाली एबीसी, तो इसका मतलब ये है कि टेबल का नाम एम्प्लॉय रहेगा, बस एट्रीब्यूट्स के नाम क्या हो जाएंगे, चेंज रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रीनेम ऑपरेशन काम कर रहा है। ठीक, तो ये काफी शॉर्ट वीडियो है रीनेम के ऊपर में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके नोट्स हमारी कोलेक्टिव वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।